नमस्ते दोस्तों, अनटोल्ड मिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ताजमहल के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में बताऊंगा। दुनिया का एक आश्चर्य, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का वंडर कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में, जो कि आगरा में स्थित है। और आज इसके बारे में आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात, शाहजहां ने जब ताजमहल को बनाया तो कहा जाता है कि सारे कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, क्योंकि दोबारा इतनी खूबसूरत वास्तु कहीं ना बन सके और इसकी कॉपी ना की जाए। इसलिए ऐसा निर्णय शाहजहां ने लिया था और उसने सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, इतनी खूबसूरत और शानदार होने के बावजूद इसकी छत में एक छेद है। कहा जाता है कि जब ताजमहल का काम चल रहा था, तभी कुछ कारागिरों को इस बात का पता चला कि उनके हाथ काट दिए जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ताजमहल की छत पर एक छेद छोड़ दिया, लेकिन ये किसी को दिखाई ही नहीं देता। हाँ दोस्तों, बारिश अगर होती है तो यहाँ पानी की एक बूंद टपकती है, और वो कहाँ से आती है इसके काफी रिसर्च भी हुआ है, लेकिन इसकी असली वजह आज तक सामने नहीं आई है। तीसरी बात ऐसी कि आप हो सकता है ताजमहल कभी गए भी हो, लेकिन आपने गौर नहीं किया है कि ताजमहल रंग भी बदलता है। जी हाँ दोस्तों, इस ताजमहल का रंग प्रहर के हिसाब से अलग अलग नजर आता है। अगर आप ताजमहल का सुबह देखेंगे तो हल्का सा गुलाबी नजर आता है और शाम को दूधिया सफेद रंग दिखाई देता है। अगर आप इसको चांदनी रात में देखेंगे तो पाएंगे कि इसका रंग सुनहरा होता है। चौथी बात, काले ताजमहल का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, जब शाहजहां ने मुमताज की याद में ये सफेद ताजमहल बनाया और ये बहुत ही खूबसूरत बन गया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक काला महल बनाया जाए। शाहजहां अपने लिए एक काला महल बनाना चाहते थे। कुछ लोगों के मुताबिक जगह भी देखी गई थी, लेकिन इसके निर्माण से पहले शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। पांचवी बात यह है, जिसने आजकल हंगामा मचाया हुआ है, सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम जहाँ भी जाते हैं एक सेल्फी तो बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ताजमहल पे सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? उसका नाम है जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन ने इस पे पहली सेल्फी ली थी और उसने ये सेल्फी लेते वक्त फिश आई लेंस का इस्तेमाल किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। धन्यवाद।